फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी भी इमेज की साइज़ को ज़्यादा से कम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में एक इमेज है जिसका साइज़ है 2 MB, लेकिन आपको कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जिसके वहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है इमेज की साइज़ की वो सिर्फ और सिर्फ है 30 KB। तो उस दौरान क्या होता है, जब आप अपने 2 MB की फ़ाइल को जो अपलोड करते हैं इमेज की, वहाँ पर वो फ़ाइल आपके अपलोड नहीं हो पाती। वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपकी जो इमेज की फ़ाइल है उसको कम करें, मिनिमम करके उसको 30 KB पे लाएं। तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की जो वीडियो मैं लाया हूँ इसके अंदर में मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इसके अंदर में आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने इमेज को डालना है और उसके बाद में अपने हिसाब से KB सेट कर लेना है। जितनी KB आप सेट करेंगे उसके हिसाब से जो आपकी जो इमेज है दिल्ली में सेव हो जाएगी, उसके बाद उस इमेज को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका आप नाम भी देख सकते हैं, इसका आइकन वगैरह भी चेक कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसके मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या कहते हैं, तकरीबन 5 मिलियन के इसके डाउनलोड्स है, 2.5 MB का है और 71,000 के लगभग इसके रिव्यूज़ है, ठीक है फ्रेंड। उसको डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। आपको सिंपल क्या करना है, चूज़ के बटन पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, उस इमेज को जिसके फ़ाइल को आपको कम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इमेज की फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने अपनी इमेज को एक को सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूँ कि इसका जो फ़ाइल साइज़ था ऑलरेडी आप देख सकते हैं 769.62 KB था। अब हम इस फाइल को अपने हिसाब से बिल्कुल कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल के मेरे को चाहिए 20 KB में, तो मैं यहाँ पे सिंपल 20 KB क्लिक करूँगा फ्रेंड। उसके बाद मेरे को इस पर चेक के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर स्टार्ट कर देना है। थोड़ा सा वेट होता है, वेट होने के बाद में फ्रेंड 2 से 3 सेकेंड के अंदर में आपका जो फ़ाइल है वो बिल्कुल 769 से आपका बिल्कुल 20 KB में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आया है। उसके लिए हमें सबसे पहले गैलरी में जाना पड़ेगा। गैलरी में आपका क्यू रिड्यूस लाइट नाम से आपका एक फोल्डर बन चुका होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम अपने फाइल के फोल्डर में आ चुके हैं, और ये रहा हमारा इमेज फ्रेंड्स, और ये रहा हमारा इमेज फ्रेंड्स। इमेज का सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो 20 KB देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।